गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हैं तो भी बताइएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास है यहाँ पॉन्ड्स की मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम जो कि आती है 10 रुपीज़ में। इसका बड़ा वाला पैकेट भी मिलता है दोस्तों, लेकिन मैं इसे छोटा वाला ही परचेज़ करना पसंद करती हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी 14 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी है जो कि प्राइस वाइज काफ़ी अफोर्डेबल है। इसकी इसी तरीके से ये छोटू सा आपको टब मिलेगा जब आप इसे परचेज़ करेंगे। तो इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं आती, ये सिर्फ सील पैक था दोस्तों। तो आप देखेंगे कि एकदम थिक सी क्रीम इसके अंदर है, ये आप देख सकते हो, इसे पलटने के बाद भी नहीं गिरती, इतनी थिक क्रीम है। क्योंकि विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों, जैसे कि इस पर मेंशन किया है कोल्ड क्रीम। तो इतने छोटे से जार में आपको एकदम भर के मिलती है 10 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। टेक्सचर आप देख सकते हो कितना क्रीमी है, देख सकते हो ये आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्स्चर है दोस्तों। तो ये विंटर्स के लिए तो आपको मस्ट हैव प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तभी आप इसे लगाइएगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑयली स्किन वाले लगाओगे तो ये नॉर्मल स्किन वाले भी लगाते हैं तो ये फेस पे से ऑयल देती है, अच्छा खासा तेल निकलता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन। क्योंकि ये विंटर्स के लिए है तो बहुत ज़्यादा जब विंटर्स पड़े तब आपकी स्किन जो स्ट्रेची एकदम हो जाती है, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नाइट में अप्लाई कर लीजिए, डे में तो आप इसे अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा थिक है। तो जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तो आप चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो, अप्लाई करके एक्सेस अमाउंट रिमूव कर सकते हो, तो ये आपकी जो स्किन है उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऑयली स्किन वाले इसे ना लगाएं, सिर्फ रात को लगा सकते हैं, लगाएं और एक्सेस जितना भी अमाउंट है इसका वो आप इसे रिमूव कर दो एक्सेस प्रोडक्ट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और पिम्पल, जिनके स्किन पर पिम्पल होते हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप अगर ड्राई स्किन वाले हो, अगर आप चाह रहे हो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अफोर्डेबल, तो आप इसके साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी है। मसाज करो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दो अपने फेस पे से तो काफ़ी शाइन आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देती है स्किन को। तो ये मुझे बहुत पसंद आई। इसकी अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है कि आपको मन करेगा कि फेस पे भी लगा लो, हैंड्स पे भी लगा लो इसकी, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू मुझे लगती है। तो इसे बार बार अप्लाई करने का मन करता है दोस्तों। तो अगर आप चाहो तो इसे एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। अगर आप चाह रहे हो कोई विंटर्स के लिए अच्छा वाला मॉइस्चराइजर क्रीम तो आप इसके साथ जा सकते हो, बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल है। तो यही था आज का ऑनेस्ट वाला रिव्यू। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।